नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। स्पेशल मसाले वाली कढ़ाई पनीर रेसिपी से घर पर ही बनाए रेस्टोरेंट जैसी परफेक्ट सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्पेशल कढ़ाई पनीर बहुत ही आसान विधि से। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला बनाते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए लो फ्लेम पर हम कुछ मसालों को भूनेंगे। ये लिया है मैंने साबुत धनिया बड़ा एक चम्मच, ये है जीरा एक छोटा चम्मच, एक सूखी साबुत लाल मिर्च, 10 काली मिर्च और एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इन मसालों को हम अच्छी तरह लो फ्लेम पर भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को एक प्लेट में निकालकर करीब 10 मिनट के करीब ठंडा होने के लिए रखते हैं। फिर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को रख दिया है, तब तक हमारा मसाला ठंडा होता है। सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं और अब डालते हैं इसमें एक बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें ये मीडियम साइज के बारीक कटे हुए 3 प्याज। प्याज अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब डालते हैं लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच। अब डालेंगे ये टमाटर हैं 2 मीडियम साइज के। और ये डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। अच्छी तरह से टमाटर को बिल्कुल गल जाने तक भूनना है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक चौड़े बर्तन में निकालकर ठंडा करने के लिए रखते हैं। फिर मैं इसे 10 मिनट ठंडा करने के बाद मैं इसको मिक्सी में अच्छी तरह पीस लूंगी। दोबारा से कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। मैं डालती हूँ इसमें 1 चम्मच घी, 1 हो चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये लिया है मैंने 300 ग्राम पनीर। पनीर फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब डालते हैं शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है मैंने, जिन्हें इस तरह चौकोर पीसेस में काट लिया है। शिमला मिर्च के 1 मिनट बाद ही हम डाल देते हैं प्याज, ये भी 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये फ्राई हुए तब तक मैंने इस मसाले को जो हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया था उसे पीस लिया है और जो टमाटर प्याज का मसाला बनाया था उसकी भी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब हम इसमें पनीर को मिक्स कर देते हैं। ये डालते हैं ग्रेवी। ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, नमक स्वादानुसार, क्योंकि पहले भी हम इसमें नमक डाल चुके हैं। अब ये वाला मसाला मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। जब भी कढ़ाई पनीर बनाएं कढ़ाई मसाला ताजा ही बनाएं।
अब मैं डालती हूँ इसमें ये ऑप्शनल है, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर जिसमें कि मैंने 2 चम्मच पानी मिलाया। इससे कढ़ाई पनीर की जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अब इसमें अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये पानी इसलिए कलर दिख रहा है कि मैंने जिस बर्तन में इसको पीसा था मसाले को, उसी बर्तन में पानी ले लिया। कढ़ाई पनीर में पानी की मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी तैयार है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब डालती हूँ इसमें गरम मसाला और ये खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिए का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालें। अब इसे वापस मिक्स कर देते हैं, सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह तैयार है हमारा कढ़ाई पनीर। थोड़ा सा इसे सजा देते हैं। अब डालते हैं थोड़ी सी क्रीम। तैयार हो चुकी है हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम ग्रेवी बनी है, आप इसे जरूर बनाएं। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय, थैंक यू।